नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। अल सुबह ही मैं आज जंगल में पहुंच चुका हूं। आसमान काले बादलों से घिराया है। किसी भी वक्त इस समूचे पर्वतीय क्षेत्र में घमासान बारिश हो सकती है। जंगल का ये पूरा खूबसूरत ऐसा नज़ारा है और हम सुबह ही इस जंगल में पहुंच चुके हैं। प्रकृति का संगीत बजने लगा है और जन्नत का जो नज़ारा कहा जाता है वो इस नज़ारे से अलग नहीं हो सकता है। इतना खूबसूरत ऐसा ये मंजर है इस जंगल का, और जंगल में परम शांति का अनुभव हो रहा है। पिछले 40-50 सालों में जिस प्रकार से हमने जंगलों का दोहन किया है, जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, कभी अकाल, कभी ओलावृष्टि और कभी सूखे से इंसानी जिंदगी जद्दोजहद में फंस चुकी है। जंगल के प्रति लोगों में जागृति हो, पेड़ पौधों के प्रति, वन्य जीवों के प्रति जागृति हो, इसलिए हम इस पर्वतीय क्षेत्र में लगातार सैकड़ों वीडियो बनाए हैं। वैसे तो मेरी सारी कहानियां जंगल के इर्द गिर्द घूमती है। मेरे कहानियों के नायक इसी जंगल के आसपास के बाशिंदे होते हैं और मैं लगातार नई नई कहानियां लेकर आपके सम्मुख पेश होता हूँ। ये सह्याद्री की ऐसी विशाल पर्वतमाला है और समुद्री सतह से हम लगभग 2700 फीट ऊपर आ चुके हैं। आसमान में काली घटा छा चुकी है और किसी भी वक्त घमासान या रिमझिम बारिश हो सकती है। बादल पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। हो सकता है कि ये ढलान, इस पहाड़ी की ढलान उतरने के पहले शायद घमासान बारिश हो जाए। मैं जहां पर मौजूद हूँ, ये पर्वतमाला का एक शिखर है और आप सुन सकते हैं कि मेरे आसपास प्रकृति का संगीत बजने लगा है। काफी खूबसूरत ऐसा माहौल है और इस माहौल में आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे इस बात का भी फक्र है कि मैं इसी पर्वतमाला का बाशिंदा हूँ। मैं समूचे क्षेत्र में लगातार भ्रमण करते रहता हूँ, इसलिए मुझे नई नई कहानियाँ, नए नए किरदार मिलते हैं और जिनको मैं आपके सामने लाता हूँ। मैं ऐसे लोगों की तलाश करता हूँ जो सामान्य लोग थे लेकिन उन्होंने काम असामान्य किया, समाज को प्रेरणा दी, समाज को एक नई दिशा दी, समाज में एक नई चेतना जागृत की। मैं ऐसे किरदारों की तलाश करते रहता हूँ और ऐसे किरदार जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, मैं लगातार इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र के आदिवासी, बंजारा, मुस्लिम एवं अन्य जाति समूह के जो ऐसे अनोखे किरदार है, प्रेरणादायी चरित्र है, उनकी लगातार तलाश करते रहता हूँ। और मेरा दायित्व है कि लगातार ऐसे किरदारों के बारे में, ऐसे प्रेरणादायी चरित्रों के बारे में मैं नई नई स्टोरीज आपके सामने लाता रहूं। शायद परमात्मा ने इसीलिए मुझे चुना है, इसलिए मैं अपना वक्त में से वक्त निकाल कर इन पहाड़ियों में पहुंच जाता हूं और ऐसे किरदारों के बारे में नई कहानी का गठन करता हूं।
कई ऐसे चश्मदीद मिल जाते हैं जो मुझे इस कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मैं पर्वतीय क्षेत्र के ऐसे गांव में, कस्बों में, आदिवासी बस्ती में ऐसे किरदारों की लगातार तलाश करते रहता हूँ। यहाँ का जनजीवन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का लोक जीवन, यहाँ के लोक गीत, यहाँ का लोक संगीत काफ़ी अद्भुत है और उसी संस्कृति को, उसी इतिहास को, उसी लोक गीतों को, उसी बोली भाषा को मैं आपके सामने लगातार लाते रहता हूँ। मैंने अब तक लगातार 2000 से भी ज़्यादा ऐसे वीडियो बनाए हैं जो इस जंगल के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी कि इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र के आसपास की कहानियां हैं जो मैंने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे पर्वतीय क्षेत्र में कई ऐसे अद्भुत किरदार हुए, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी ऐसे अद्भुत लोग थे, ऐसे असामान्य लोग थे जिन्होंने समाज को नई प्रेरणा दी है, नई दिशा दी है। तो दोस्तों, अभी बादल एक्शन मोड पर है और मुझे जल्दी ही ढलान की ओर जाना पड़ेगा क्योंकि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और मैंने अपनी गति अब तेज कर दी है। तो दोस्तों, दोबारा जरूर मिलेंगे और नई कहानी लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।